कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह दावा करता है कि जानवरों के पेट में जो गोबर और खून है हम उसके बीच में से तुम्हें दूध देते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि दूध पेट में नहीं बनता, दूध ब्रेस्ट में बनता है। एक अजीब से नाम की आईडी वाले ने मेरी बात को गलत कहा। तू अंधा है भाई, हदीस में लिखा है कि उसके बीच में से दूध देते हैं, ना कि पेट से दूध देते हैं। बनता तो पेट में ही है। तो अब्दुल भाई, आयत में अल्लाह कह रहा है कि पेट में जो गोबर और खून है हम उनके बीच से दूध देते हैं। दूध पेट में गोबर और खून के बीच में नहीं बनता, दूध ब्रेस्ट में ही बनता है। दूसरी बात, जानवरों के पेट में गोबर नहीं होता, पेट में खाना होता है। दूध देने वाले जानवरों के पेट में खाने के 4 पोर्शन होते हैं, सब में खाना ही होता है। फिर वो आंतों में जाता है, आंतें उनमें से पौष्टिक पदार्थ को सोख लेती हैं। आंत के लास्ट में जो वेस्टेड जाती है उसे गोबर कहते हैं। खैर, नबी को जितनी नॉलेज थी अल्लाह को भी उतनी ही नॉलेज थी।